ऐसा थोड़ी ना चलता है, मुझको नहीं रहने का है यहाँ। मेहुल लाले कसने की जरूरत नहीं है, तेरी वजह से हुआ ये सब, समझा ना। पर हुआ क्या? इसने ना पॉलिटिक्स किया, शिल्पा भाभी को बोला कि पिज्जा बनाओ, तो मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। पिज्जा बन रहा है इसलिए आप घर छोड़ के जा रहे हैं? हाँ। अरे पर चुप रह, तू छोटा है ना इसलिए तुझको मालूम नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। पिज्जा है ना पिज्जा, वो इटाली की स्पेशलिटी है। तो हाँ, तो आपको इटालियन बोलनी तो आती है ना? आती है मुझको इटालियन, लसान्या, मैक्रोनी, वंडरफुल पिज्जा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इटालियन कपड़े नहीं है। जिस जगह की आइटम बनी हो ना उधर के कपड़े पहनता हूँ ना मैं, तो पिज्जा के वक्त इटालियन कपड़े नहीं पहनूंगा तो फिर सब लोग को ऐसा लगेगा ना कि वेटर कुछ बराबर नहीं है, है ना, तो फिर बाकी नाम कैसे रोशन होगा। देख, ऋतिक ने अच्छा काम किया इसीलिए उसके पप्पा का नाम रोशन हुआ ना, तो फिर गट्टू काका आप इन कपड़ों में भी पिज्जा देंगे तो वो लोग ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, नहीं नहीं लेकिन फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, बाको माइनस मार्क्स मिलेंगे। हाँ तो ठीक है, अब जाइए। मतलब जाऊं? अब आपके पास इटालियन कपड़े नहीं है तो करूंगा, मैं साउथ इंडियन कपड़े से चला लूंगा, दे दूंगा पिज्जा। सुबोध भाई के पास है साउथ इंडियन? नहीं नहीं, उसके लिए तो घर में इडली, डोसा, मेंदोड़ा ये सब बनना चाहिए ना। लेकिन वो तो मेहुल को बोलना पड़ेगा ना कि इडली डोसा ऐसा सब बनाओ, मेहुल ऐसा बोल देगा तो मैं रुक सकता हूँ। लेकिन मुझे तो सिर्फ पिज्जा खाना। ठीक है, तो आज घर में इडली वड़ा बनेगा। खुश वेलकम मेहुल, वेलकम वेलकम वेलकम। अभी मैं फिर से वेटर बन जाऊंगा, फिर बाप को कोई भी माइनस मार्क्स नहीं दे सकता। वेलकम मेहुल।